गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन चरी तीर बन चरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर बन चरी यमुना तीर बन चरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुत पद कमलान् श्री गुरुं वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये वंदे श्रीकृष्ण चैतन्योदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चिद्रो शम्दो तमोनुदो वृंदारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानं स्मरामि आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय राधा गोविंद देव की जय शिरोभाद की जय गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हिंदी में होगा ना नॉट गुजराती जैसा देश वैसा भेष भी और उसी भाषा भी
Is that okay, Chairman Saab? Hindi is allowed? तो मुझे बताया गया था कि आज का श्लोक या आप कोई भी श्लोक का चयन कर सकते हो, तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने केवल एक ही श्लोक नहीं कई श्लोक आपको सुनाने का विचार, और वे भी चैतन्य चरितामृत से। उधर ओके, अभी अभी गीता जयंती महोत्सव के संपन्न हो चुका है या हो भी रहा है, जो कल ही आप सभी ने पुरस्कार भी दिए कि नहीं, कल रात्रि को अवार्ड्स गोपाल कृष्ण महाराज के कर कमलों से आप कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हो, इसीलिए भी आप सभी का अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतने सारे ग्रंथ वितरण के लिए आप सबका आभार, आप सभी ने श्री प्रभुपाद का प्रसन्न किया। वी वॉन्ट टू प्लीज मी, क्या करो आप, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। इसी के साथ वैसे आप वैसे गोपाल कृष्ण महाराज को भी प्रसन्न किए हो, आप मुझे विशेष स्मरण हो रहा है, होता ही रहता है। जो सुमति नंदन प्रभु को भी आपने प्रसन्न किया है, जो अधिक अधिक ग्रंथों का वितरण स्वयं भी किया करते थे आप सभी के साथ, याद है वो दिन, गुड ओल्ड, नॉट सो ओल्ड, अभी अभी रिसेंटली ओल्ड डेज में। हरी हरी। और इतना सारा ग्रंथों का वितरण करके वैसे आपने सभी उपस्थित गौर भक्त वृंदों को भी गवर्निंग बॉडी कमीशन को भी और ब्यूरो मेंबर्स को भी और मुझे भी आपने प्रसन्न किया है। राधा गोविंद और श्री प्रभुपाद की ओर से मैं आपका अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो या तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में भी कहो, फिर मैंने सोचा क्या क्या सुनाए आपको। तो गीता का वितरण तो आप कर चुके हो और करते रहो, लेकिन साथ ही साथ और भी क्या करना होता है गीता के साथ? हाँ,
उसको पढ़ना भी होता है, याद है कि नहीं? तो केवल प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स ये नहीं कहे, रीड माई बुक्स रीड माई बुक्स रीड माई बुक्स भी कहे, शायद आप थे नहीं तो शायद आप, हमको तो पता नहीं कहे थे कि नहीं। अरे अरे, और फिर कुछ सब कुछ बार तो प्रभुपाद ने कहा भी, ग्रंथ वितरण करते थे उनके शिष्य तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन कुछ बार तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शिकायत भी है। प्रभुपाद की शिकायत, क्या शिकायत? इज वन कंप्लेन, मेरी एक कंप्लेन है। आपको पता है, दे डू नॉट रीड माई बुक्स आर नॉट इनफ, दे आर नॉट रीडिंग इनफ, नॉट दे आर नॉट, दे आर नॉट रीडिंग बट नॉट इनफ। तो हम लोग तो थोड़ा ऐसी गलतियाँ करते थे। अरे अरे, लेकिन हमने जो हम जो गलतियाँ कर रहे थे उसमें आपको सुधार करना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो हम जो गलतियाँ करते थे वो गलती आपको क्या नहीं करनी है, ये बात आपको मंजूर है? ऐसा भी कोई संकल्प ले सकते हो आप? वैसी गलती हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। और वो भी बात है ही, और जिनको जिनको आपने भगवद गीता दी है उनको भी तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना है somehow, I don't know। क्योंकि कई कई लोग कहते आपकी भगवद गीता एज इट इज, मैंने एज इट इज रखी हुई है। तेना मूल रूपे, तेना मूल रूपे, जसी आए तसी यथारूप। तो ये भी हमें देखना कि वे लोग भी जिनको गीता प्राप्त है वे भी गलती ना करें, गीता नहीं पढ़ने की गलती उनको भी नहीं करना चाहिए। तो एनीवे, दिस इज हमें इस्कॉन के लिए होमवर्क है, ग्रंथ वितरण बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होमवर्क है, हाउ टू मेक श्योर दोज हु रिसीव गीतास दे आल्सो एंड अप सूनर देन लेटर, उसको पढ़े। इसके लिए भी कोई कैंपेन में से या मैराथन इस प्रकार का भी कभी इस्कॉन को आयोजित करना होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने भी जोर दिया, भगवान ने भी जोर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ वितरण के लिए
स्पेशली गीता वितरण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जारे देखो त्यारे कहो, क्या कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या है, कौन सा है कृष्ण उपदेश, भगवद गीता कृष्ण उपदेश है, तो जारे देखो त्यारे कहो। अच्छा है कि प्रभुपाद कहा करते थे, हमने कुछ कह भी दिया तो लोग भूल भी सकते हैं। अच्छा है कि हम उनको भगवद गीता ही दे दे, कृष्ण का उपदेश, और इसे पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, वैसे हमारा ज्ञाय गुरु भैया तारे देश, गुजरात देश या अहमदाबाद देश, जाके आप अधिकतर भक्त हो, इस देश में क्या करो, तारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। और स्वयं भगवान जो गीता के वक्ता है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। गीता क्या है, गीता वे वचन है जो भगवान के मुखार बिंद से निकले हुए वचन ही तो गीता है। तो वे भगवान और उनका अर्जुन के साथ संवाद, अरे जब आप सोते हो तो क्या होता है संवाद, आप और मेरे बीच में संवाद हो रहा है अभी, समथिंग स्टॉप ब्रेक डाउन। तो जिन्होंने ये गीता सुनाई सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, ऐसा कहा है, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और इस प्रकार गीता अमृतम महत्। सारे उपनिषदों से बनी हुई गाय का पर्सोनिफिकेशन ऑफ उपनिषद, उपनिषद जो वेद का ही एक अंग है, एक विभाग है, तो वेद ही मूर्तिमान, या वेदों ने लिया आकार या रूप, या उपनिषद ने लिया रूप, और रूप कौन सा, गाय बन गई गाय, सारे उपनिषद वेद बन गए गाय। और तो गाय है तो दोग्धा गोपाल नंदनः, तो उस गाय का दोहन करने वाले स्वयं कृष्ण है। तो उपनिषदों का सार, इसीलिए वैसे गीता को गीतो उपनिषद भी कहते हैं, आपने सुना पढ़ा हो, गीतो उपनिषद, गीतो उपनिषद। और उपनिषद इसको इसीलिए भी कहा है उपनिषद, उपनिषद में डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं, और गुरु और शिष्य के मध्य में संवाद होते हैं उपनिषदों में। तो गीता में भी ऐसा संवाद है, संवादम अद्भुतम इमम, अद्भुत संवाद। और यह शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम
अर्जुन बने हैं शिष्य, शिष्यस्ते अहम्। और गुरु कौन है? कृष्णम वंदे क्या जगत गुरुम। तो इसलिए भी गीता को उपनिषद का संवाद है। शिष्य जाते हैं और गुरु के पास, पास नियर निषद बैठते हैं उनके चरणों में और फिर संवाद होता है। तो वह इस उपनिषद रूपी गाय का दोहन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। तो गाय है और दोगधा ग्वाला भी है, कृष्ण ग्वाले बने हैं। तो बछड़ा भी चाहिए कि नहीं? तो बछड़ा कौन बने हैं? पार्थो, पार्थो वत्स, वत्स। तो इस गीता का पान, गीता का पान दूध है, इसलिए इसको दुग्ध पान, खान पान होता है। खाना नहीं है ये क्या है? क्या है? पीना है। खाने से पीना सरल और मधुर होता है। हाँ, लाइक ड्रिंकिंग मोर देन ईटिंग, राइट? सरल भी होता है फिर सरस भी होता है। तो अर्जुन इसके पहले भोगता है इस दूध के, और सुधीर भोगता वैसे बुद्धिमान लोग उपभोक्ता हो गए, सेकेंडरी एन्जॉयर्स। फर्स्ट एन्जॉयर यहाँ कौन है? अर्जुन है। और अब सारे बुद्धिमान लोग उपभोक्ता, सेकेंडरी जो उपभोक्ता बने हैं। जब अर्जुन ने ये गीता सुनते सुनते अब समापन की ओर ये संवाद आगे बढ़ रहा था ही, तो अर्जुन ने कहा तत्प्रसादा, सीधे बैठिए, सिट प्रॉपरली। लाइक अ योगी नॉट लाइक अ भोगी। सीधे बैठने से ओपन अप। फिर हम अलर्ट भी हो जाते हैं इत्यादि। व्हाट वी टॉकिंग? ओके, सो तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, और भी आगे कहा। तो इस गीता को अर्जुन कह रहे ये प्रसाद है, त्वत्प्रसादात्। गीता क्या है? उस गीता महात्म में तो कहाँ ही है, गीता अमृतम महत्। गीता अमृत है। तो अर्जुन कह रहे हैं इसको प्रसाद कह रहे हैं, प्रसाद, कृपा प्रसाद। भगवद गीता क्या है? प्रसाद है। प्रसाद मतलब ही कृपा। वैसे हमको तो महाप्रसाद है, गोविंदे वाला प्रसाद तो आज फॉर श्योर वो प्रसाद है। लेकिन गीता को अर्जुन ने कहा ये प्रसाद है, तो इसको ग्रहण करने वाले अर्जुन इज नंबर वन। और फिर बाकी सब जो ग्रहण करते हैं, फिर किसको ग्रहण करते हैं? महाप्रसाद। प्रसाद का बन जाता है महाप्रसाद। तो अर्जुन ने इस गीता को महाप्रसाद बनाया।
फिर महाप्रसाद का वितरण होना चाहिए कि नहीं? तो गीता के वक्ता ही स्ट्रांगली रेकमेंडिंग इस महाप्रसाद का, इस संवाद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जो इस महाप्रसाद का वितरण करेंगे, फूड फॉर लाइफ करेंगे, मतलब सर्वत्र बांटेंगे। न चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन मैं और माम मैं कश्चिन मैं प्रियकृतमः। गीता के बिल्कुल अंत में भगवान ने गीता के प्रमोशन की बात की हुई है। और इसे जब प्रमोशन करने का विचार भगवान कर ही रहे हैं तो वह उसके पहले ही भगवान का विचार ये है कि अर्जुन को तो मैंने निमित्त बनाया है, वैसे अर्जुन के लिए ये गीता सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। ही इज़ बियॉन्ड दैट, उसने तो क्योंकि गीता इसीलिए कही गई है ताकि लोग क्या करें, भक्त बने। भक्तोसी में सखा चयति या मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस उद्देश्य से भगवान ने गीता सुनाई ताकि आप सब भक्त बनो, आप मुझे स्मरण करो, ऐसा ऐसा कुछ करोगे। और भी चार बातें कही वहाँ। तो भगवान ने क्या कहा, मामेव यशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। यदि कोई क्या करता है, मनमना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार आइटम करता है भगवान ने कहा, तो क्या होगा, मामेव यशसि, तो मुझे प्राप्त करोगे। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम आओगे। वैसे हम सभी बद्ध जीवों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से भगवान आते हैं, और वो आमंत्रण, वो इन्विटेशन गीता के रूप में वो इन्विटेशन भगवान देते हैं। तो इन्विटेशन अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन के लिए तो था ही नहीं वैसे, क्योंकि अर्जुन तो गीता सुनने के पहले ही भक्त थे। और गीता सुनाते समय अर्जुन भगवान ने कहा, भक्तोसी तुम मेरे कौन हो, भक्त हसी सखा चयति। और अर्जुन भगवान के शाश्वत परिकर है, इटर्नल एसोसिएट, तो उनको ये ABC सुनने की क्या ज़रूरत है, ये भगवद गीता। हरी हरी। तो भगवान का उद्देश्य है गीता सुनाने के पीछे का, ताकि संसार में जितने भी जीव है उन सभी तक मेरा संदेश, या कभी कभी ऐसे देश में, या भगवान, अभी तो भगवान का लौटने का ही समय हो चुका है, भगवान 101 साल के हो चुके हैं। अरे अरे, आपको जगाते जगाते मेरा समय है, इट्स माय होमवर्क। तो
तो भगवान जाते जाते जय राधा गोविंद देव की, भगवान एक पत्र लिखे, पत्र लिखे, चिट्ठी लिखे, और वो किनके लिए चिट्ठी लिखे और पीछे उसको पीछे छोड़े भी, वैसे भगवान कहे उन्होंने डिक्टेशन दे दिया और फिर श्रील व्यास देव के रूप में उन्होंने उसको टाइप किया, कहो उसका संकलन किया, ही कंपाइल्ड, जो श्रील व्यास देव भगवान ही है या शाक्तावेश अवतार है। तो कृष्ण ने इसका डिक्टेशन दिया और श्रील व्यास देव उसको लिखे और उसको एक महाभारत, महाभारत ये सारा मतलब इतिहास है, जैसे इतिहास, महाभारत मतलब इतिहास है, इतिहास, इतिह आस, इतिह आस इतिहास। सो इट हैपेंड, सो इट हैपेंड, सारे डिटेल के साथ उसे को इतिहास कहते हैं। तो भगवद गीता भी इतिहास है, इतिहास का एक पार्ट है, अंग है। या भीष्म पर्व, महाभारत में 18 पर्व है, उसका एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के 18 अध्याय है भगवद गीता, अध्याय संख्या 25 से लेकर 43 तक के जो 18 अध्याय है, ये है भगवद गीता। वैसे महाभारत का युद्ध भी कितने दिन चल रहा था? 18 दिन। महाभारत के युद्ध में कितनी अक्षौहिणी डिवीजन सेना थी? 18,000। भगवद गीता में कितने अध्याय है? 18। ये सारा 18 का खेल भी है, 18। तो भगवान चाहते, कोर्स इसीलिए तो भगवान आते हैं। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राणकारणात्, ऐसा कहा है भगवान। गोलोकम च परित्यज्य, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य है, गिव अप वराइटीज ऑफ रिलीजन, तो भगवान क्या करते हैं? गोलोकम च परित, भगवान ने गोलोक को त्यागा या पीछे छोड़ा और भगवान इस संसार में आए। क्यों? लोकानाम त्राण कारणा, हम जो एक तो उन्हीं के हैं, हम किनके हैं ये भी भगवद गीता सिखाती है, हम किनके हैं ये बताने के लिए भगवान आते हैं। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तो क्या कहा भगवान ने? मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मम एव अंशः, हे जीवो तुम कौन हो? केवल मेरे अंश हो ऐसा ही भगवान नहीं कहे, मेरे ही अंश हो, मम एव। भगवान ने केवल मम अंश नहीं कहा, ममैव अंश, मतलब भगवान तुम गणेश के, शिव के, इनके उनके और किसी के अंश नहीं हो, तुम किनके अंश हो? मेरे ही, और केवल मेरे ही अंश हो, मम एव अंश।
और अहम बीजः प्रदः पिता, ये भी आगे भगवान कहे हैं। और तुम कैसे मैं तुम सभी का पिता हूँ। आई एम सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। और सुहृदं सुहृदं सर्वभूतानां यज्ञात्वा शान्तिर्मृच्छति, ऐसा भी कहा। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं ज्ञात्वा माम शान्तिर्मृच्छति, जिसको प्रभुपाद पीस फॉर्मूला शांति सूत्र का है। तुम या मैं तुम्हारा सुहृद, द बेस्ट फ्रेंड। देखिए सर्वलोक महेश्वरम, इतने महान भगवान, हम इतने लहान, आप नहीं समझोगे, लहान लहान मराठी शब्द है, अच्छा शब्द है। महान के विपरीत क्या होता है? लहान का, लहान लहान छोटा क्षुद्र। तो महान भगवान और हम जितने क्षुद्र होते हुए भी भगवान कह रहे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। और क्या चाहिए भगवान जैसा? वेल, पिताश्री भी है और मित्र भी है, वो क्या नहीं है, वो सब कुछ है। मम सर्व देव देवः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, लाइक दैट लॉन्ग लिस्ट। इसीलिए फिर वासुदेव इज ऑल इन ऑल, इज ऑल इन लॉ, ऑल इन ऑल। वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परा गति। वासुदेव इज ऑल इन ऑल। तो ये जब हम समझेंगे भगवान कौन है, महान है, तो फिर मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डू नॉट फियर, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, ए जीव मत डरो। कौन डरेगा जीव जब उसको पता है कि भगवान एक तो है और भगवान कैसे महान है और हमारे मित्र है, ये है वे है वे सब कुछ है। ओ डियर, फिर भगवान ओ डियर कम नियर, आई एम हियर, डू नॉट फियर, ऐसा भगवान कुछ कह रहे हैं। तो भगवान का इस संसार में आने का उद्देश्य ये है, टू गेट अस आउट ऑफ हियर। लॉर्ड हैज कम इनटू दिस वर्ल्ड टू गेट अस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मुख्य उद्देश्य तो यही है। भगवान इस ब्रह्मांड में संसार में आते हैं, हमको इस संसार से मुक्त करने के उद्देश्य से भगवान आते हैं। ये संसार से मुक्त करना क्यों चाहेंगे? क्योंकि सर्वलोकनाथ दुखालयम दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत कैसा है? दुखालय है, अशाश्वत है,
is miserable, is temporary. क्या भरोसा इस जिंदगी का, ये संसार है या सुख दुख का मेला कहते हैं। ये संसार कैसा है? सुख दुख का मेला, मेला फेस्टिवल या गैदरिंग, सुख दुख का मेला है ये संसार। आगम अपायिनो नित्यस, आगम अपायिनो, सुखे दुखे लाइक दैट। तो अरे अरे ए ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एव ते। हम क्या करते हैं जब इंद्रियों के विषयों को भोगने का जीव का प्रयास होता है, शुरुआत में तो उसको कुछ सुख का अनुभव होता है। ए ही संस्पर्श ज, ए ही मतलब इंद्रियों का स्पर्श, इंद्रियों के विषयों के साथ होते ही संस्पर्श ज कुछ उत्पन्न होता है या कुछ कुछ होता है, ऐसा उत्तर भारत में कहते हैं। संस्पर्श ज भोगा, क्या होता है? कुछ भोग, कुछ उपभोग, कुछ सुख। लेकिन कृष्ण उसी एक ही ब्रेथ में या उसी वाक्य में आगे क्या कहे? ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न ये वते, जिसने तुम्हें सुख दिया वही तुम्हें, जस्ट वेट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, थोड़ा सा रुक तो जाओ, तुम चख लोगे मजा। क्या भोगोगे? दुख, फॉर श्योर दुख आने ही वाला है। जिसने सुख दिया वही दुख के कारण योनि बनेगा। दुख योन एव ते, ते मतलब क्या? ए आगे, ए पहले ए कहा बाद में ते भगवान के, ये मतलब सारे जो इंद्रियों के विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट्स है, वही सेंस ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे दुख के कारण होंगे। तो सुख के साधन जुटाने के लिए तो धन राशि वगैरह चाहिए कि नहीं? लेकिन दुख तो फ्री में मिलता है। जैसे आजकल के या बाजारों में या सुपर बाजार, हाइपर बाजार, मॉल्स कहते ना, यू बाय वन यू गेट टू फ्री, और बाय थ्री यू गेट फाइव फ्री। तो हम लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, वी बाय वन, उसके लिए हम कुछ कीमत चुकाते, वी पे प्राइस। तो यू बाय वन यू गेट वन फ्री, तो बाय वन क्या है? सुख, सुख के साधन आप खरीदते हो, और मिलता क्या है? फ्री में क्या मिलता है? दुख फ्री में मिलता है, दुख फ्री में मिलता है। अरे अरे नहीं भाई, तो यही तो बात, यही तो बात है समझने की बात, तो यही है। सुख और दुख की जोड़ी है, सिक्का होता है ना, कॉइन होता है, उसके दोनों साइड्स होते ना, एक नहीं मिलता है। तो यदि हम दुख नहीं चाहते हैं तो क्या करना होगा? हम दुख नहीं चाहते हैं तो क्या करना होगा? हाँ, सुख को मत भोगो।
लेकिन सुख को भोगना चाहते हो तो दुख के लिए तैयार हो जाओ। या तुम तैयार हो या नहीं हो, आने वाला है। आप मरना नहीं चाहते हो तो क्या करना होगा? अब मरना नहीं चाहते हो तो क्या करना होगा? जन्म मत लो, डोंट टेक बर्थ, फिर डेथ भी नहीं आएगी। अरे अरे, तो भगवान जानते हैं ये संसार कैसा है। वो कैसे जानते होंगे? सृष्टि उन्होंने तो बनाई सृष्टि। जन्माद्यशयतः जन्म सृष्टि प्रलय जिनसे होता है उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? वे कौन होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान जन्माद्यशयतः, श्रीमद् भागवत का पहला ही शब्द, जो वेदांत सूत्र भी, एक वेदांत सूत्र भी है, यतः जिनसे जन्म, जिनसे सृष्टि, जिनसे स्थिति, जिनसे विनाश प्रलय होता है, वे है भगवान। तो भगवान को कैसे पता सृष्टि कैसी कैसी है? भगवान ने बनाया। जिसने बनाए माइक्रोफोन स्टैंड, उनको पता है सारे इसके सारे गुण धर्म। इसलिए साथ में वो आपको मैनुअल भेजेंगे, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू फिक्स, हाउ टू रिपेयर, हाउ टू असेंबल, हाउ टू तो फिर कभी कई बार बैक टू गॉड है। आवर कैप्टन इज Srila Prabhupada, तो हम लोग जा रहे हैं बैक टू होम, प्लीज ज्वाइन, जम्प, कम ऑन, बैक टू गॉड हेड। नाम पत्रिका का प्रकाशन प्रभुपाद प्रारंभ किए तो एक समय वे सीधे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचे या उनको पत्र लिखे, मुझे हेल्प चाहिए, आपकी मदद चाहिए इस बैक टू गॉडहेड पत्रिका के प्रकाशन के लिए। तो उसी पत्र में प्रभुपाद ने ये भी लिखा था आई हैव गॉट अ क्लू, मुझे कुछ ऐसे संकेत मिले हैं। आप सुन रहे हैं ना? यू आर ऑल विथ मी। दिल खोल के, आंखें खोल के, मुझे क्लू मिला हुआ है। क्या क्लू है? व्हेन आई लीव दिस बॉडी आई एम गोइंग टू रिटर्न, गोइंग टू गो बैक टू गॉड हेयर, मैं भगवत धाम लौटने वाला हूँ ये शरीर को त्यागने को प्राण, ऐसा मुझे संकेत मिला है। ऐसा प्रभुपाद लिखे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इसी पत्र में इन द सेम लेटर प्रभुपाद ये भी कहे लिखे कि इस पृथ्वी पर जितने भी मेरे फेलो ह्यूमन बीइंग्स है उनको भी मैं भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ। यू गॉट इट राइट, यू आर गेटिंग ऑल। तो मैं सबको भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपद कौन है ऐसा कहने वाले? मैं सबको, या ये आइडिया कहाँ से आती है सबको मैं भगवत धाम ले जाना चाहता हूँ? ये आइडिया किसकी होगी? पहले किसकी आइडिया होगी ये?
भगवान की आइडिया है। वे चाहते हैं सभी जीव लौटे उनके धाम से। भगवान का धाम ही हमारा धाम है, या भगवान का गांव ही हमारा गांव है। ऐसा तुकाराम महाराज भी कहे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज, आमी जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमी जातो आमचा गावा। मैं जा रहा हूँ, वो तो विमान में बैठे हैं, वैकुंठ विमान में, और जाते जाते कह रहे मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपने गांव जा रहा हूँ, गोइंग बैक टू होम। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो या मैं मदरलैंड जा रहा हूँ, माई फादरलैंड जा रहा हूँ। तो मदरलैंड, किस लैंड को मदरलैंड कहते हैं? जो मदर का लैंड है वही हमारा लैंड होता है, जो फादर का लैंड होता है वही हमारा फादर लैंड होता है। तो हमारे मदर, फादर, ब्रदर, ऑल इन ऑल एवरीथिंग कौन है? कौन है? तो हमारा मदरलैंड इज अप देयर। तो गीता सुनाने का उद्देश्य वैसे सभी को अपने धाम ले जाने का के उद्देश्य से भगवान आते हैं, गीता का उपदेश सुनाते हैं। द्वदंती के भगवान दूर भी है, पास भी है, बाहर भी है, बहिर् न सिंह हृदये न सिंह, सर्वत्र है। तो वह तो भगवान जब देखते हैं कि हम में से जो जो ग्रंथों का वितरण, गीता का वितरण कर रहे हैं, तो भगवान नोट करते हैं, ओह दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये भी संदेश, ये भी फैला रहा है। तो ये देख के क्या होता है भगवान क्या होता होगा? यू कुड कंप्लीट माय सेंटेंस। भगवान को क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं वही तो, और फिर हम लोग और अधिक प्रिय बन जाते हैं भगवान के। ऐसा उन्होंने कहा, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृत्तम। तो आप में से कौन कह सकता कि हम भगवान के प्रिय नहीं बनना चाहते? कौन है कोई जो कहेगा कि हम भगवान के प्रिय नहीं बनना चाहते? इसी संसार के किसी के उनको कहने दो, आई लव यू, आई लव यू। वैसे व्हेन कोई लोग कहते हैं आई लव यू, उनका कहने का वे नहीं समझते होंगे, लेकिन हम समझते हैं, आई एम लस्टी आफ्टर यू, नॉट दैट आई लव यू, आई एम लस्टी आफ्टर यू। क्योंकि इस संसार का जो लव है वो लव नहीं होता, लस्ट होता है। प्रेम तो दिव्य होता है, प्रेम इज डिवाइन, और उसका प्रतिछाया, द शैडो ऑफ द रियल लव ही तो लस्ट होता है। माया जो नहीं है वो है ही माया है। तो है तो लस्ट, लेकिन उसी को लव समझना ही क्या है? क्या है? माया है। सजीव जागो, गोरा चांद बोले कोदा निद्रा, जाओ माया पिशाची रकोले। वेक अप, And realize. तो गीता का हमें
अध्ययन भी तो करना ही है और साथ ही साथ और क्या करना है, इसका क्या करना है, वितरण भी करना है। वितरण करने से क्या होगा, या भगवान प्रसन्न होंगे। और जब आप वितरण करोगे तो ये आप आपकी दया, आपका दया भाव का प्रदर्शन भी है, आप कृपा भी करते हो और ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है। प्रेम मैथी कृपा उपेक्षा, भगवान से करना चाहिए प्रेम, भक्तों से करना चाहिए मैत्री, और जो श्रद्धालु लोग हैं उन पर करनी चाहिए कृपा, और जो विष्णु और वैष्णवों के चरणों में अपराध करने वाले हैं उपेक्षा, उनसे दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम देम। हरी हरी वाह, टाइम इज अप। सो गो ऑन रीडिंग एंड गो ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। कुछ लीला सुनानी थी आपको चाहिए, वो तो अभी ना, दिस मीटिंग टाइम, मुझे भी मीटिंग अटेंड करनी है, सो वी बेटर स्टॉप हियर। और कोई बात है, और किसी को कुछ कहना है? हाँ, महाराज जी से आपने बताया कि जो अपराध करते हैं उनका उपेक्षा करना चाहिए। कभी कभी समझ नहीं आता, जैसे कि फैमिली में कोई लोग हैं वो मतलब कभी कभी माला भी करते हैं, कभी कभी भगवत गीता भी पढ़ेंगे, और कभी कभी भक्तों के बारे में पूरा भी बोलेंगे, तो समझ नहीं आता उपेक्षा कर रहे हैं वो फेवरेबल है। तो समय समय पर उपेक्षा करो, समय समय पर थोड़ा कृपा भी करो, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में पता चलेगा वैसे भाई कौन है, हु इज हु। तो कुछ ट्रायल एरर का पीरियड भी होगा, अब ट्राई दैट पर्सन, कभी अपराध करता है या थोड़े समय के बाद दोबारा चेक करो कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। सदा के लिए उपेक्षा नहीं करनी है, सदा के लिए उपेक्षा मत करो, डोंट टेक देयर नेम ऑफ योर लिस्ट। आप जब भक्त बनते हो, तो या घर वाले या आपके और कोई पड़ोसी मित्र, पहला रिएक्शन तो दे आर अगेंस्ट यू, दे टर्न अगेंस्ट, आपके विरोधी आपके शत्रु कहो ऐसा कुछ बनते हैं। पर यू डोंट गिव अप, आप अपनी भक्ति साधना करते रहो, या कभी कभी आपको छिपके भी करनी पड़ सकती है, कुछ युक्तिपूर्वक कुछ करना पड़ सकता है। आप नहीं बदलोगे
अब चिपक के रहोगे तो जो विरोध कर रहे थे धीरे धीरे नेक्स्ट क्या होता है, थोड़े न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल समझते हो, मतलब उदासीन, ओके वट एवर, ऐसा स्टैंड वो लेते हैं। और आप भक्ति कर रहे हो और आप प्रगति भी कर रहे हो, फिर आपका कुछ आध्यात्मिक जगत में या मंदिर में कुछ नाम भी हो रहा है इत्यादि इत्यादि, तो फिर शुरुआत में जो अगेंस्ट थे फिर न्यूट्रल बन गए और फिर वो फेवरेबल भी बनेंगे। ऐसा कईयों का अनुभव है, आप में से किसी का है, एक माता जी तो उंगली कर रही है, और किसी का है, हमने जो कहा ऐसा कुछ, यस हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी, ओके। तुम मत छोड़ो, आपका उत्साह निश्चयात धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ति है षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, अपना परफेक्शन मोर परफेक्ट ऐसा बनते जाओ। ओके एनीथिंग यस और आनंद को भोगो, या क्योंकि इस सुख का काउंटर पार्ट है, सुख एक द्वंद्व का अंग है, द्वंद्व है, संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है, काला गोरा देशी विदेशी रात दिन स्त्री पुरुष दिस दैट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, द्वंद्व कहते हैं द्वंद्व। तो उसी के अंतर्गत ये सुख और दुख की टीम है, जोड़ी है, और यह सुख भी भौतिक जगत का अंग या अनुभव है, दुख भी भौतिक जगत का ही अनुभव होता है। तो कृष्ण का एडवाइस है सुखे दुखे समय कृत्वा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसके परे पहुंचना है, सुख दुख जय विजय, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, ऐसा भगवान कहे, यदृच्छा यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा मतलब उनकी ऊपर वाले की इच्छा से जो भी लाभ या प्राप्त होता है संतुष्ट रहो, द्वंद्वातीतो द्वंद्व से परे पहुंच जाओ, तुलना मत करो पड़ोसी के साथ, उसको इतना है तो मेरा इतना ही कम क्यों है, और विमत्सरः साथ में कहा है, विमत्सरः मत्सर रहित, फ्री फ्रॉम एनवी, एनवी से ही वैसे ये द्वंद्व का विचार भी उत्पन्न होता है। तो कृष्ण की ऐसी सलाह है, और ये सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, ये संसार है, लेकिन जीव, हम तो जीव है, जीव न तो दुख से तो दुखी होता ही है,
लेकिन सुख से वो सुखी होने वाला नहीं है, जीव सुखी नहीं होगा। सुख का आस्वादन जीव नहीं कर सकता, क्योंकि जीव है दिव्य, अलौकिक है, तो उसका खान पान भी अलौकिक या दिव्य ही होना चाहिए। तो जीव न तो सुख को डाइजेस्ट करता है, न तो दुख को डाइजेस्ट, क्योंकि वो है सच्चिदानंद। जीव भी सच्चिदानंद है, आनंद। तो जो 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 इसमें जिसमें आनंद है उसका आस्वादन करता है जीव। और उसे फिर महात्मा होता है, आत्मा का महात्मा। तो श्रवण आनंद तिकडे चोही कडे आनंदी आनंद गडे, मराठी का है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में आनंदी आनंद। प्रभुपाद, हैप्पी न्यू ईयर। तो प्रभुपाद कदा हमारे लिए एवरी डे इज अ हैप्पी डे, एवरी डे इज अ न्यू ईयर या न्यू एक्सपीरियंस। और नॉट एवरी डे, एवरी मोमेंट एक नया अनुभव। और जीव के लिए आनंद का अनुभव करने का क्षण, तो जीव को चाहिए, जीव को सुख नहीं चाहिए, जीव को आनंद चाहिए। आनंद आध्यात्मिक अलौकिक दिव्य होता है। सुख ये संसार का सांसारिक प्राकृतिक होता है। सुख टेम्पररी है, लेकिन आनंद टेम्पररी नहीं है। तो सुख की रिएक्शन कहो, सुख का रिएक्शन क्या है? क्या रिएक्शन? दुख। इसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन सुख का दुख होता है। लेकिन आनंद का रिएक्शन क्या है? आनंद। वेरी गुड। मोर चैंटिंग आप जब करोगे तो क्या लाभ है? प्रभुपाद से जब पूछा था, जब करने का लाभ क्या है? मोर चैंटिंग, और जब करने का विचार होगा। यह आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम, वह वर्धन होते रहता है। तो दिस इज डिफरेंस सुख और आनंद में। जो आनंद लकीर फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो अमीरी में जो अरे अरे हुआ, हरी हरी हरे कृष्ण। ओके, एनीथिंग मोर? ओके, दिस लास्ट क्वेश्चन। टू हैंड्स अप। तुम जोर से बोल सकती हो ताकि मैं सुन पाऊंगा, या माइक्रोफोन है? क्विक इसको थोड़ा इसके ऊपर रखो।
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, तो कभी कभी नॉन डिवोटीज से तो क्रिटिसिज्म सुनने मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह में, मतलब कभी डिवोटीज के माध्यम से भी क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है क्या? कभी कभी डिवोटीज के उधर से भी क्रिटिसिज्म मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करते रहते, तो मैं उनसे उनसे भी दूर रहो। यस, इसलिए हमने कह दिया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के फेवर में बात करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं, संगत यागत सतोव्रते भक्तों का एंड भक्त इन गुड स्टैंडिंग, ऐसा भी थोड़ा थोड़ा होता है or not and so we're very good standing, तो थोड़ा सा हमको भी सावधान रहना पड़ेगा। अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। जिनका संग ग्रंथ वितरण के लिए अनुकूल है, आपको प्रोत्साहन बढ़ाने वाला है, उनका संग करो और उसका परिणाम विपरीत हो रहा है, कोई डिस्करेजमेंट, तो कुड मेंटेन सेफर डिस्टेंस, स्पेशली मैराथन के दिनों में, बाद में देखा जाएगा और किसी मामले में। anyway, yeah? Okay, this is the last one. Okay, now we have a tourist here. Go ahead. मैं ऐसा बोल रही हूँ कि घर में हम भक्त बने और भक्त बनने के बाद घर में गुस्सा भी आता है और बच्चे के हमको बोलते रहते हैं हम उनको, तो ये क्या अपराध लगता है हमको? बच्चे ऐसा बोल रहे हैं आप गुस्सा ले रहे हो क्योंकि हमारे पर गुस्सा कर रहे हो, तो क्या वो गुस्सा करने से अपराध लगेगा मदर ने हमको? ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जानबूझ के गुस्सा नहीं करते, कोई बात ऐसी होती है तो ही गुस्सा आता है। तुम्हारे पास जवाब भी है फिर लेकिन बच्चे नहीं, लेकिन कुछ 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 ना ना कुछ कुछ काम हो रहा है कि नहीं? गुस्सा काम तो हो रहा है। ओके, तो और भी काम होगा, काम होगा, काम होगा, फिर बंद होगा। सो होपफुल। अच्छा, आपका सेंटर कब मिलेगा हमें? हरे कृष्ण, आपके जो अधिकारी हैं, काउंसिलर्स हैं, उनसे बात करो। गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल।